गुड मॉर्निंग क्लास टू। आज मैं आपको चैप्टर थ्री का क्रैश कोर्स करवाने जा रही हूँ। अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर वन और चैप्टर टू का भी क्रैश कोर्स करवाया है आपको पहले वीडियो में, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर थ्री प्रॉपर नाउन समझाया भी था, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आज आपको चैप्टर थ्री का क्रैश कोर्स करवाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, स्टैंडर्ड टू, चैप्टर थ्री क्रैश कोर्स। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन साउंड ही लग रहा है जैसे प्रॉपर, यानी कोई स्पेशल, किसी खास चीज, किसी भी स्पेशल वर्ड को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। एंड गाइस, प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होती है कैपिटल लेटर में, ठीक है। और इनफैक्ट प्रॉपर नाउन लिखी भी जाती है कैपिटल लेटर में, चाहे वो कि सेंटेंस के मिडिल में हो या बीच में हो या फिर लास्ट में हो, हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है गाइस। नाउ प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशल नेम। इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। आई रिपीट वंस अगेन, प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशल नेम। इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। अब मैं आपको कॉपी में बता रही हूँ, स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर थ्री प्रॉपर नाउन्स क्रैश कोर्स। एनी स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, एज टॉम, पीटर, मॉडर्न स्कूल एटसेट्रा। आई रिपीट वंस अगेन, एनी स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी स्पेशल चीज, जैसे वो किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी सामान के नेम, कोई भी स्पेशल चीज को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे टॉम, पीटर, मॉडर्न स्कूल, ये सब स्पेशल है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इन सब का पहला वर्ड देखिए हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन प्रॉपर नाउन विथ एन एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन कैन बी स्पेशल नेम ऑफ एनी ह्यूमन, थिंग्स, प्लेस और एन एनिमल। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, एज एग्जाम्पल टीना, कार्मल स्कूल, द हिंदू, होली एटसेट्रा। आई रिपीट वन सेकेंड, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कैन बी स्पेशल नेम्स ऑफ एनी ह्यूमन, थिंग्स, प्लेस और एन एनिमल। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, एज एग्जाम्पल टीना, कार्मल स्कूल, द हिंदू, होली एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द प्रॉपर नाउन। इसमें जो भी प्रॉपर नाउन उसमें आपको सर्कल करना है। वी आर गोइंग टू जयपुर फॉर थ्री डेज। तो यहाँ पे जयपुर जो है वो प्रॉपर नाउन है और जे हमने कैपिटल लिखा है, इसमें हमने सर्कल किया है। नंबर बी, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। लंडन जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है और ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लंडन किसी स्पेशल जगह का नाम है, ठीक है। नंबर सी, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। मैकडोनल्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसमें हमने सर्कल किया है। नंबर डी, जैक एंड जिल, ये दोनों प्रॉपर नाउन स्पेशल नेम है, इसको हमने सर्कल किया है, ठीक है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्पेशल नेम ऑफ द फॉलोइंग। नेम ऑफ योर स्कूल, आनंद पब्लिक स्कूल। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसी स्कूल का नाम दोगे, आनंद पब्लिक स्कूल। नेम ऑफ योर सिटी, आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम लिखोगे, पटना। नेम ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ग्रेट फन विथ ग्रामर। तो ये आप अपने मन से भी दे सकते हो, ठीक है गाइस। वंस अगेन आई रिपीट, प्रॉपर नाउन क्रैश कोर्स। एनी स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, एज टॉम, पीटर, मॉडर्न स्कूल एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन प्रॉपर नाउन विथ एन एग्जाम्पल। प्रॉपर नाउन कैन बी स्पेशल नेम ऑफ एनी ह्यूमन, थिंग्स, प्लेसेस और एन एनिमल। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, एज एग्जाम्पल टीना, कार्मल स्कूल, द हिंदू, होली एटसेट्रा। सर्कल द प्रॉपर नाउन, वी आर गोइंग टू जयपुर फॉर थ्री डेज। जयपुर में हमने सर्कल किया है, ये प्रॉपर नाउन है। लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंडन जो है प्रॉपर नाउन है तो हमने सर्कल किया है। ओल्ड मैकडोनल्ड हैड ए फार्म, मैकडोनल्ड में हमने सर्कल किया है, प्रॉपर नाउन है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल में हमने सर्कल किया क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नेम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्पेशल नेम ऑफ द फॉलोइंग्स। नेम ऑफ योर स्कूल, आनंद पब्लिक स्कूल, ये प्रॉपर नेम है, ये बात भी ध्यान देते चाहिए। जो भी आंसर मैं बता रही हूँ वो सारा प्रॉपर नेम है, ठीक है। नेम ऑफ योर सिटी, पटना। नेम ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ग्रेट फन विथ ग्रामर। ये सारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो गाइस, आज मैंने आपको चैप्टर थ्री का क्रैश कोर्स करवा दिया है। आई होप कि आप घर में सेफ होगे और सुरक्षित होगे और ध्यान से अपने टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रामर है, ग्रामर जितना समझिएगा आपके लिए उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है गाइस। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।